bismillahir rahmanur rahim assalamu alaikum student i am Wajid ali Kambo, chemistry first year chapter 8 and this lecture is actually the continuity of previous two lectures in previous two lectures we study the le chatelier principle its statement effect of change in concentration effect of change in pressure volume and in this lecture we are going to study the effect of change in temperature and also the effect of adding catalyst कॉमन स्टूडेंट लेट स्टडी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर स्टूडेंट इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेंपरेचर इसको स्टडी करने से पहले कुछ बुनियादी बातें बेसिक कॉन्सेप्ट अगर किसी भी टॉपिक में ना जो मैं शुरू में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं ना अगर आपकी इन पे ग्रिप हो जाए ना तो पूरा टॉपिक आपके लिए समझना वो आसान हो जाता है और मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूं कि एक अच्छा लर्नर स्टूडेंट वो स्टूडेंट जो अच्छी तरह बात तवज्जो से सुनता है उसका सबूत क्या है कि उसको बात समझ आ गई है उसका सबूत बहुत सिंपल है कि वो उसी टॉपिक को किसी और को समझाए कॉन्फिडेंस के साथ और मुकम्मल तौर पर वो टॉपिक समझा दे अगर आप समझ के किसी और को समझाने की सलाहियत रखते हैं और आप सब समझा जाते हैं कॉन्फिडेंस के साथ इट मीनस कि आपने अच्छी लर्निंग की है और लर्निंग के लिए देखा करें कि आपको टीचर जो है वो किस सीक्वेंस में पढ़ा रहा है कौन सी बात ये जो बार शुरू में चाहिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए वो हम समझाते हैं और उस कॉन्सेप्ट की बेस पे आगे हम एक्सप्लेनेशन देते जाते हैं तो जरा बुनियादी बातें तो समझे ना स्टूडेंट मेरे पास ना ये एक रिएक्शन है ए प्लस बी और इधर मैं हीट ऐड कर देता हूं दीज आर द रिएक्टेंट्स ये रिएक्टेंट्स हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन ये मेरे पास C प्लस डी इन्हें मैं प्रोडक्ट्स कह रहा हूं अदर देखिए, दिस वन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन इस ये दिस इज़ इक्विलिब्रियम स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट में आपके पास जो कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है कंपोनेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम सिस्टम मैं क्या कह रहा हूं मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कंपोनेंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम तो कंपोनेंट्स क्या है इक्विलिब्रियम सिस्टम में एक तो आ गया रिएक्टेंट्स, एक आ गया प्रोडक्ट और तीसरा एक और भी कंपोनेंट हमने आज लिख दिया एंड दैट इज द हीट तो हीट इज द हीट इज द कंपोनेंट ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम अब आप इसमें देखें इसमें हीट जो है वो रिएक्टेंट साइड पे है तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिएक्टेंट साइड पे होगी ना यानी हीट देंगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो दिस वन इज द दिस वन इज़ द एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन इसके बरक्स अगर मैं यूं लिखूं अगर मैं इधर लिखूं रिएक्टेंट्स आई I मीन mean ए प्लस बी रिवर्सिबल प्रोडक्ट्स आई I मीन mean सी प्लस डी प्लस हीट अम ने हीट को प्रोडक्ट साइड पे लिखा आई I मीन mean, जब रिएक्टन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो हीट रिलीज होगी तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड द एक्जो थर्मिक रिएक्शन दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन अब जरा एक दो बातें ना पहले में पहले जो बुनियादी कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाना चाह रहा था वो यहां पे खत्म हो गया हजर एक और बात सुनिए ये ऊपर वाला जो रिएक्शन है अगर मैं टेंचर इन चले दोनों की बात हम कर लेते हैं दोनों रिएक्शन की बात कर लेते हैं अगर मैं टेंचर इंक्रीज करता हूं टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब क्या है कि हम सिस्टम में हीट एड करते हैं मैन टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर मीन हीट इज एडेड इन द सिस्टम जब आप सिस्टम में हीट ऐड करेंगे राइजिंग द टेम्परेचर यानी राइज ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, जाएगा। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसमें टेम्परेचर राइज करेंगे तो रिएक्शन किधर आएगा रिवर्स ये बात ही तो इस पूरे टॉपिक का बुनियादी नुक्ता है इसके बरक्स अगर मैं अगर मैं ड्रॉप ऑफ टेंपरेचर करता हूं टेम्परेचर कम करता हूं अगर मैं ड्रॉप ऑफ टेंपरेचर ड्रॉप ड्रॉप ऑफ टेंपरेचर मैं सिस्टम से हीट कर रहा हूं हीट निकाल रहा हूं अगर मैं हीट विदड्रॉ करूंगा तो ये रिएक्शन किधर आएगा रिवर्स अगर मैं हीट विदड्रॉ करूंगा तो ये रिएक्शन किधर जाएगा फॉरवर्ड ये बातें अगर आपको समझ में आती है ना तो आगे समझाना मेरे लिए बहुत आसान चले मैं और आपकी मुश्किल आसान करता हूं जो ऊपर मैंने आपको बातें समझाई है ना इसको एक मैं सेंटेंस की सूरत में लिख देता हूं माई डियर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू ली शेटर प्रिंसिपल क्या कहता है ली शेटर प्रिंसिपल वो कहता है एन इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स द एंडोथर्मिक रिएक्शन बहुत अहम बात टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा और इसके डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज इन टेम्परेचर रिएक्शन ये सेंटेंस स्टूडेंट इस सेंटेंस को रट्टा लगा लो याद कर लो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जरा देखना पहले मैं बात करता हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन दीज आर द रिएक्टेंट्स ए प्लस बी गोज टू सी प्लस डी और रिवर्स में ये आ गया बहुत अहम बातें माय डियर स्टूडेंट बहुत अहम बातें पहली बात इस रिएक्शन के आगे लिखा हुआ है डेल्टा एच दैट इज कल टू माइनस नेगेटिव अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के आगे डेल्टा एच इंथॉलपे चेंज नेगेटिव में हो तो याद रखना है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक दोबारा मैं निवास हूं अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव हो इट मींस कि वो फॉरवर्ड में एक्सो है और अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड एक्सो है तो रिवर्स वो एंडो होगा इसका मतलब हुआ कि रिवर्स डायरेक्शन में यह हमारे पास एंडो थर्मिक है फॉरवर्ड में एग्जो रिवर्स में एंडो अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन एक डायरेक्शन में एग्जो है तो रिवर्स में वो एंडो होगा अगर वो फॉरवर्ड एंडो है तो रिवर्स में वो एग्जो होगा अब रिएक्शन हो रहा है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पे सपोज रूम टेम्परेचर पे हो रहा है आप इस रिएक्शन का टेंपरेचर बढ़ाते हैं यानी आप इसको फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड पे परफॉर्म करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मैंने क्या कहा इंक्रीज इन टेम्परेचर टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा Endo कौन सा रिवर्स तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रिवर्स चल पड़ेगा इधर प्रोडक्ट है इधर रिएक्टेंट है आई मीन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कम होती जाएगी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी अब एक और बहुत अहम बात मैंने ना प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में आपको एक बात समझाई थी मैंने कहा था कि केसी दैट इज कल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टन अब मैंने कहा कि के सी इज डायरेक्टली परपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो के सी ज्यादा अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी तो के सी कम अब यहां पर क्या हो रहा है जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया प्रोडक्ट रिएक्टन में कन्वर्ट हुए कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम होगी और जब कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम होगी तो उसका मतलब के सी डिक्रीज कर जाएगी तो इसका मतलब है यहां यह अहम बात है कि किसी डिक्रीजिस अब क्या रखना है आपने इससे पहले दो चीजें पढ़ी अफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन अफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम और वहां मैंने आपको बार बार पढ़ाया था कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रेशर और कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब होती है केसी चेंज नहीं होती लेकिन यहां उल्ट बात आ गई यहां क्या है कि जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ गया तो आपने टेम्परेचर चेंज किया टेम्परेचर चेंज करने पर इक्विलिब्रियम पोजीशन भी डिस्टर्ब हो गई केसी भी चेंज हो गई अगर इसकी पहले सपोज इस रिएक्शन की पहले केसी फोर है तो अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसकी केसी फोर से कम हो जाए इसके बरक्स अगर अगर आप टेम्परेचर कम करें यानी आप ट्वेंटी डिग्री की बजाय आप ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन परफॉर्म अब इधर देखें, डिक्रीज़ इन टेम्परेचर कम करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो शुरू फॉरवर्ड जाएगा और कौन सा है? है इसका मतलब है कि अगर कम करेंगे, जाएगा। और किस में कन्वर्ट होते जाएंगे में। में. में मतलब इंक्रीज करेगी और यूं केसी इंक्रीज करेगी तो हम इसमें क्या कहेंगे हम कहेंगे केसी increases. ये वो बुनियादी बातें हैं और ये सारी बातें मैंने इसी सेंटेंस से निकाली दी अब जरा मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा स्टूडेंट मेरे पास ये एक रिएक्शन है मेरे पास ये रिएक्शन है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड दिस वन इज अ गैस व्हेन ट्रीटेड विथ स्टीम वाट इन स्टेट इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, सीओ टू यू नो दिस वन इज द गैस अलॉन्ग हाइड्रोजन, दिस वन इज ऑल्सो गैस माय डियर स्टूडेंट अगर आप इसकी डेल्टा एच वैल्यू देखेंगे ना वो है माइनस फोर्टी वन पॉइंट एट फोर किलो जाउल पर मोल ये देखो पहले देखें दिस वन इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक डेल्टा एक्चर्मिक और अगर फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक होगा तो रिवर्स रिएक्शन जो है ना रिवर्स रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट जो रिवर्स रिएक्शन है दैट विल बी एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक अभी हमने पढ़ा अब सपोज रिएक्शन हो रहा है सेवनटी डिग्री सेंटीग्रेड सपोज अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं आप हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको परफॉर्म करें या रिएक्शन हो रहा है जी वन सेवनटी डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर बढ़ा टेम्परेचर बढ़ाते हैं टेम्परेचर एन इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स द एंडोथर्मिक तो इसका मतलब एंडोथर्मिक कौन सा है एंडोथर्मिक का रिवर्स रिवर्स का मतलब है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनाते जाएंगे और जब प्रोडक्ट कम होंगे तो हम कहेंगे केसी डिक्रीज़ेस। टेम्परेचर चेंज ना सिर्फ इक्विबरम पोजीशन डिस्टर्ब करता है बल्कि केसी भी चेंज करता है और इसके बरक्स अगर आप अगर आप टेम्परेचर कम करें वन सेवेंटी के बजाय इसको डिग्री सेंटीग्रेड परफॉर्म करें तो डिक्रीज इन टेपरेचर टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया इसका मतलब अब आप हीट रिमूव करवाएंगे डिक्रीज इन टेपरेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक और एक्सो का मतलब क्या है फॉरवर्ड तो रिएक्शन किधर जाएगा फॉरवर्ड फॉरवर्ड का मतलब है प्रोडक्ट और बनता जाएगा और प्रोडक्ट और बनने का मतलब है केसी इंक्रीजेस माय डियर स्टूडेंट ये दो चीजें हैं जो आपने जहन में रखनी है अब आए पहले तो हमने पढ़ा था ना एक्सोथर्मिक अब आए एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कैसे ये मेरे पास है ए प्लस बी दीज आर द रिएक्टेंट्स रिएक्शन किया हमारे पास आ गया सी प्लस डी और इसकी डेल्टा एच जो है वो अब है पॉजिटिव हम क्या कहेंगे हम कहेंगे अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन फावर्ड रिएक्शन दैट इज एंडोथर्मिक उसके उलट आ गया पहले वाली बात के एंडोथर्मिक और अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है तो रिवर्स में वो क्या होगा एक्सोथर्मिक तो रिवर्स डायरेक्शन रिवर्स रिएक्शन जो है दैट विल बी एक्सोथर्मिक। जी स्टूडेंट अब ये रिएक्शन हो रहा है सपोज ये रिएक्शन हो रहा है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेडी फाइव अब आप क्या करें आप टेम्परेचर बढ़ा दें आप फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड तो इंक्रीज इन टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ा एन इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स फेवर्स यस एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ा एंडो तो एंडो कौन सा एंडो है forward. Forward है फॉरवर्ड फॉरवर्ड का मतलब कि ये क्यों जाएगा और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब है केसी इंक्रीजेस इसके बरक्स अगर आप टेम्परेचर कम करो

पोटासियम आयोडाइड पोटासियम आयोडाइड सॉलिड है वाटर में ऐड करो जब वाटर में ऐड करोगे तो ये वाटर में डिजोल्व हो गया रिएक्शन फॉरवर्ड का मतलब है वाटर में डिजोल्व हो जाएगा और पोटासियम आयोडाइड एक्वस पानी में डिजोल्व फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है डेजोलूशन ऑफ पोटासियम आयोडाइड इन वाटर और अगर रिवर्स रिएक्शन आए रिवर्स रिवर्स का मतलब है कि जो पोटासियम आयोडाइड ये प्रेसिपिटेट हो रहा है प्रेसिपिटेट आउट क्रिस्टलाइज हो रहा है तो क्रिस्टेलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन ये दो चीजें हैं। फॉरवर्ड रेजोल्यूशन इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी रिवर्स क्रिस्टलाइजेशन डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी आप इसके ना डेल्टा वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट इट्स डेल्टा एच इज प्लस फोर्टी वन पॉइंट फोर सॉरी ट्वेंटी वन पॉइंट फोर किलो जाउल पर मोड ट्वेंटी वन पॉइंट फोर किलो जाउल पर मोल यह इसके अब डेल्टा एच वैल्यू देखो स्टूडेंट डेल्टा एच वैल्यू है पॉजिटिव है। अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की डेल्टा एच पॉजिटिव होगी तो उसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन में वो एंडोथर्मिक है तो ये फॉरवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है एंडो और अगर फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है तो हम क्या कहेंगे हम कहेंगे जी ये रिवर्स रिएक्शन जो इसका होगा ना वो होगा एक्सो ये एक्सो यानी फॉरवर्ड में एंडो और हमने क्या कहा है? हमने कहा एन इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडो एन इंक्रीज इन टेम्परेचर मैं दोबारा लिख रहा हूं एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ठीक है इट इट फेवर्स द एंडो थर्मिक रिएक्शन ठीक in अगर अगर है, uh, है और वो पानी में हल हो गई कुछ नीचे बैठ गए अब चाहते हैं कि मजीर वो हल हो इट मीनस आप टेम्परेचर इंक्रीज करें टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब रिएक्शन किधर जाएगा फॉरवर्ड बड़े। डेजोल्यूशन बढ़ेगी और अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे रिएक्शन रिवर्स आएगा इसका मतलब है पोटेशियम आयोडाइड प्रेसिपिटेट बनकर क्रिस्टल्स की फॉर्म में सॉल्यूशन से अलग हो रही है तो दूसरी क्या बात की है आ डिक्रीज इन टेंपरेचर डिक्रीज इन टेंपरेचर इट फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये सेंटेंस याद रखने हैं और इनको बुनियाद बनाकर आप इन रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं और ये भी देखना है कि के केसी इनक्रीज कर रही है के सी डिक्रीज करें अब आगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है स्टूडेंट पहले मैं आपको ना ये कुछ चीजें समझाता हूं तो फिर हम डिस्कस करते क्या है क्या डियर स्टूडेंट मेरे पास ये ना बीकर्स पड़े हुए हैं ये पहले बीकर में वी द वाटर उसके बाद ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है और इस बीकर में हमारे पास सोडियम क्लोराइड है अब आपने आपने क्या थोड़ा सा पानी इस बीकर में लेना है बीकर में लेकर आपने इसके अंदर सोडियम डिसॉल्व करना है लेकिन आपने पहले वाटर का टेम्परेचर नोट कर लेना है वाटर का टेम्परेचर जो आप नोट करेंगे द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड अब आपने थोड़ा सा पानी इसमें लिया अब आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह हिला लें, हिलाने के बाद अब इस, इस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में ऐड करते हैं सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा हीट ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज हुई एक्सोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ा अब आप दूसरा काम करें इस बीकर में पानी लें अब आप इसमें अमोनियम नाइट्रेट को ऐड करें अमोनियम नाइट्रेट को ऐड किया इसको थोड़ा सा हिला लें अब आप इसका टेम्परेचर मालूम करें नाउ इस इट करेंट डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का था अब आठ हो गया कम हो गया टेम्परेचर डिक्रीज कर तीसरा हमारे पास केस है हमने ये स्पीकर में पानी दिया थोड़ा सा इसमें हमने सोडियम क्लोराइड साल्ट टेबल साल्ट उसको मिक्स किया अच्छी तरह हिलाया अब आपने इसका टेम्परेचर नोट किया तो इट्स टेम्परेचर इज स्लाइटली ग्रेटर देन 20 इज़ 22 डिग्री सेंटीग्रेड माय डियर स्टूडेंट हमने यहां पे ना थ्री डिफरेंट केसेस डिस्कस किए पहले केस में सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा जब सॉल्यूशन का टेंपरेचर बढ़ेगा तो हम हीट ऑफ सॉल्यूशन को एक्सोथर्मिक लेंगे और दूसरे केस में सॉल्यूशन का टेंपरेचर कम हुआ इसका मतलब उस केस में हम हीट ऑफ सोल्यूशन को एंडोथर्मिक करेंगे और तीसरे केस में देर इज नो देर इज नो रिमार्केबल चेंज इन हीट ऑफ सोल्यूशन इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड अब जरा देखिए पहले हमने बात क्या की है पहला हमारे पास केस था नंबर वन पे जिसमें मेरे पास सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट वी हैव आ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड सोल्यूशन सोल्यूशन एंड इट्स डेल्टा एच इज ने आई मीन फॉरवर्ड रिएक्शन में यह रिएक्शन क्या हुआ एक्सोथर्मिक और रिवर्स में आएंगे तो यह एंडोथर्मिक फॉरवर्ड फॉरवर्ड यह क्या है एक्सोथर्मिक और रिवर्स में आएंगे रिवर्स में तो यह हमारे पास क्या हो गया एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक ऐसा जो रिएक्शन है ये किस केस में होता है ऐसा आपके पास ना मैं एग्जाम्पल आपको बता दू आपके पास है लाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो सम एसिड्स वो भी ऐसा बिहेवी एसिड को वाटर में डालेंगे तो सोलूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है ये है मेरे पास अब इनमें देखिए और भी बहुत सारे आपके पास नेक्स्ट जाके हम इनको पढ़ेंगे कि आपके पास है जी के सी एल है इस तरफ के एन ओ थ्री है बोरेक्स है एंड मैनी मोर यहां पड़ेगा अब ये वो सोल्यूशन ये वो सॉलिड्स हैं ये वो सोल्यूट हैं, जिनकी हीट ऑफ सोल्यूशन ये डेल्टा एच एस ओ लिख रहा हूं हीट ऑफ सोल्यूशन एक्सोथर्मिक अब ना अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी मजीद डिसॉल्व होते जाएंगे रिएक्शन रिवर्स आएगा सॉल्युबिलिटी कम होगी ये याद रखना है फॉरवर्ड का मतलब है सोलिबिलिटी बढ़ेगी और रिवर्स का मतलब है सोलबिलिटी कम होगी और फॉरवर्ड कौन सा है, है. अब मैं क्या कहता हूं मैं कहता हूं टेम्परेचर बढ़ाए टेम्परेचर एन एंड इन टेम्परेचर एंडोथर्मी इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन तरफ चल पड़ेगा रिवर्स चल पड़ेगा रिवर्स चल पड़ेगा कैसे जरा देखना मेरे पास ना ये एक सोल्यूशन है ये वही सोल्यूशन है जिसकी हीट ऑफ सोल्यूशन जो है वो एक्सोथर्मिक डेल्टा एच सोलूशन नेगेटिव है अब सोल्यूट इसमें डिसॉल्व है सोल्वमेंट में सोल्यूशन बन चुका है अब मैं क्या करता हूं मैं इसको मजीद हीट करता हूं मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं हीट करता हूं जब मैं हीट करूंगा ना तो आप देखें कि इसमें ये जो सोल्यूट है वो प्रेसिपिटेट बनकर नीचे बैठ रहा है सोल्यूट का प्रेसिपिटेट बनकर नीचे बैठने का मतलब है कि सॉल्युबिलिटी कम हो रही है इसके बरक्स अगर मैं इस सोल्यूशन को ठंडा करूंगा टेम्परेचर कम करूंगा टेंपरेचर कम करेंगे तो वही प्रेसिपिटेट जो नीचे बैठे थे वो अब इसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे इसका मतलब है तेंप्रेचर बढ़ाएंगे तेंप्रेचर बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे रिएक्शन रिवर्स आएगा और रिवर्स का मतलब क्या हो गया सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी क्रिस्टलाइजेशन होगी प्रेसिपिटेट बनेंगे और अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे सोल्यूशन को ठंडा करेंगे रिएक्शन के अंदर जाएगा फॉरवर्ड और फॉरवर्ड का मतलब है मजीद से मजीद सोल्यूट उसमें डिसॉल्व होता था इसके बरक्स अगर मैं दूसरी बात ये करता हूं मेरे पास है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट रिवर्सिबल सोल्यूशन नाउ द हीट ऑफ सोल्यूशन डेल्टा एच सोल्यूशन डेल्टा एच सोल्यूशन इज पॉजिटिव यानी फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है फॉरवर्ड फॉरवर्ड जो है वो एंडो है और जो रिवर्स रिएक्शन है मैं बार बार लिख रहा हूं इसको वो है एक्सो रिवर्स एक्सो फॉरवर्ड एंडो रिवर्स एक्सो अच्छा एग्जाम्पल जरा एग्जाम्पल में मेरे पास है इसमें यूरिया मेरे पास है ग्लूकोज लिथियम क्लोराइड लिथियम कार्बोनेट एंड मेन मोर वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल हियर जरा बात को समझो माय डियर स्टूडेंट मेरे पास ये ना ग्लूकोज का सॉल्यूशन है ग्लूकोज ग्लूकोज के सॉल्यूशन में ग्लूकोज पानी के अंदर हल है दिस वन इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन अब आप क्या करें आप ना मजीद इसमें ग्लूकोज ऐड करें ये ऐड किया वो ग्लूकोज नीचे बैठा गया अब आप चाहते हैं कि वो ग्लूकोज 20 मिनट हो जाए अब क्या करें आप इसको हीट करें टेम्परेचर इंक्रीज करें जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन इट मीन फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा और ग्लूकोज मजीद पानी में हल होता है देखिए मैंने आपसे कहा कि ग्लूकोज ये आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी सॉलिड है रिवर्सिबल ग्लूकोज एक्वस माई डियर स्टूडेंट फॉरवर्ड रिएक्शन सॉलोबिलिटी इंक्रीजिस बढ़ती है इंक्रीजिज और रिवर्स रिएक्शन सॉलोबिलिटी डिक्रीजिस और हमने क्या कहा इसकी जो डेल्टा एच है वो है पॉजिटिव एंडोथर्मिक आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे टेम्परेचर 25 से आप 40 ले जाए टेम्परेचर बढ़ाएंगे

चेंज इन अफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर के बाद स्टूडेंट अब हम आते हैं जो एडिशन है ना माइडियर स्टूडेंट कैटलिस्ट के एडिशन में हम क्या कहेंगे कि जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस टी अगर ये इक्वलिब्रियम स्टेट पे आ गया एट इक्लिब्रियम स्टेट एडिंग कैटलिस्ट एडिंग कैटलिस्ट Does not affect, does not affect, does not affect equilibrium position as well as Kc. इसको अफेक्ट नहीं करते तो फिर कैटलिस्ट ऐड ही क्यों करते माई डियर स्टूडेंट ये बहुत अहम बात है जो आप कैटलिस्ट ऐड करते हैं ना कैटलिस्ट की एडिशन से वो इक्विलिब्रियम जो जो 10 मिनट में वो रिवर्सिबल रिएक्शन जिसने 10 मिनट में इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचना था कैटलिस्ट ऐड करने की वजह से वो विद विदिन सेकेंड इक्लिब्रम पर पहुंचा तो सेंटेंस याद रखना तीन में बातें करूंगा याद रखनी बाय एडिंग द कैटलिस्ट इट हेल्प्स टू अचीव द इक्विलिब्रियम पोजिशन अर्लियर ये इक्विलिब्रियम पोजिशन को अर्लियर अचीव करने में मदद देता कैसे बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ये दूसरी बात आ गई बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी कैसे लोअर करता है बाय चेंजिंग द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन तो रिएक्शन तीन बातें मैंने कहा थी अ अ बाय एडिंग वी अचीव द इक्विलिब्रियम दोजीशन अर्लियर कैटलिस्ट कैटलिस्ट एंड रिवर्स रिएक्शन एट इक्वल रेट्स जितनी जितना तेज ये रिवर्सिबल रिएक्शन करता है उतना फॉरवर्ड रिएक्शन करता है उतना तेज ये रिवर्सिबल रिएक्शन करता है ये बातें आप एंड, मैं आपके साथ ना ये एक टेबल जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मेरे पास ये एक टेबल है इस टेबल में ना हमने पहले कंडीशंस ली हैं कंडीशंस में मेरे पास कंडीशन के बाद मेरे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई और फिर मेरे पास आ गया केसी पहली बात हमने की है टेम कंसनट्रेशन की जब आप चेंज इन कंसनट्रेशन लाते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजिशन चेंजेस बट केसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट दूसरी बात जब आप प्रेशर वॉल्यूम को चेंज करते हैं इक्विलिब्रियम पोजिशन चेंजेस बट केसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट नो चेंज इन केसी जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजिशन भी चेंज हो जाती है केसी भी चेंज हो जाती है और आखिरी बात जब आप कैटलिस्ट इसको ऐड करते हैं तो देर इज नो चेंज इनपोजीशन एज वेल एज नो चेंज इन ये बातें आपने टॉपिक को हमने वाइंड अप किया और आज की में हमने लेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर और अफेक्ट ऑफ एडिंग किया मेरी दुआ किए असल वरम